हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब भारत की खोज के 6ठे चैप्टर का पहला टॉपिक, भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस टॉपिक में कि जो अंग्रेज लोग थे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने क्या किया, हमारा जो आर्थिक ढांचा था उसको तो कमज़ोर किया ही, साथ ही हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें भी दखलंदाजी की। तो इस तरह से हम पूरी तरह से क्या हुआ, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन के रह गए। और ये अंग्रेज़ लोग थे बहुत चालाक थे, इनके यहाँ क्या हुआ था, कल कारखाने वगैरह इन्होंने लगाए थे, तो जो भी सामान बनता था वो काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाता था हम लोगों को। तो क्योंकि जो कल कारखाने वगैरह होते थे उसमें क्या होता था, कोई भी सामान होता था बहुत जल्दी बनता था, अधिक मात्रा में बन जाता था कम लागत पे। और हमारे देश के जो व्यापारी थे वो सारा काम किससे करते थे, हाथ से करते थे, तो इनका टाइम भी जाता था और जो सामान बनता था वो भी काफ़ी महंगा होता था। तो सभी लोगों का जो झुकाव था वो क्या था, जो अंग्रेज लोग सामान बेचते थे उनको लेने लगे थे। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश के जो व्यापारी थे, जो व्यापारिक वर्ग था, वो धीरे धीरे नष्ट होता चला गया और हमारा जो आर्थिक ढांचा था पूरी तरह से चरमरा गया, कमज़ोर हो गया। जैसा कि आज हम देखते हैं कि चाइना के जो लोग हैं, चाइनीज़ जो सामान है वो पूरे वर्ल्ड में सब जगह मिलता है। तो इससे क्या होता है, जो चाइना का सामान है काफ़ी सस्ता भी होता है, भले ही वो दो दिन में टूट जाए, लेकिन हम उस लालच में कि हाँ ये सामान सस्ता है तो हम उनका सामान ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे देश का सामान है वो हम नहीं लेते क्योंकि महंगा होता है। तो इससे क्या हुआ, हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो धीमे धीमे कमज़ोर होती जा रही है। और ये जो सामान हम लेते हैं उसका पैसा कहाँ जाता है, सारा चाइना में चला जाता है, इनका सामान जो होता है बिकता है। तो इस तरह से चाइनीज़ जो आर्थिक व्यवस्था है वो धीमे धीमे मजबूत होती जा रही है। यही किया अंग्रेज लोगों ने, उन्होंने हमारे देश में व्यापार किया, सब कुछ किया और हमारे देश की ही राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के साथ कि भारत किसी विदेशी शासक के अधीन रहा हो, किसी ने उसको गुलाम बना के रखा हो। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना जो थी भारत के लिए एक नई घटना थी। तो इससे पहले भारत कभी भी इस तरह से गुलाम बन के नहीं रहा था। हालांकि भारत में अनेक आक्रमणकारी थे जो आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, शासक जो बने थे उन्होंने हमारे देश की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी या हमारे देश की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसको अपना लिया था। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि ये विदेशी हैं और ये जो शासक होते थे हमारे देश पे शासन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा है उसको कोई हानि पहुँचाई हो और उसको कुछ उन्होंने नुकसान पहुँचाया हो। तो इस तरह से जो बाहर के लोग थे आते थे, शासन करते थे, फिर अपने देश में वापस चले जाते थे। ये पहली बार हुआ था हमारे देश में कि जो अंग्रेज़ लोग थे इन्होंने हमारे देश पर इतने लंबे समय तक शासन किया। तो इस तरह से जो संचालन था हमारे देश का वो भारत से बाहर किसी दूसरे कंट्री से हो रहा था, किसी दूसरे देश से हो रहा था भारत का शासन। तो इस तरह से जो हमारा आर्थिक ढांचा था और राजनीतिक ढांचा था जो पूरी तरह से कमज़ोर हो गया था। तो जो ये अंग्रेज़ लोग थे इनका उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक धन कमाना। तो ये जो अंग्रेज़ थे इनका जो उद्देश्य था अधिक से अधिक धन कमाना, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने देश में कल कारखाने वगैरह लगाए ताकि अधिक से अधिक सामान बनाया जा सके। तो कारखाने में जो सामान बनता था वो कम लागत में भी बनता था, बहुत कम पैसों में बन जाता था और उसको बनाने में टाइम भी कम लगता था और देखने में भी काफ़ी अच्छा होता था क्योंकि मशीनों से सामान बनता था। और हमारे देश के जो लोग थे वो हाथ से सामान बनाते थे तो टाइम भी ज़्यादा लगता था, महंगा भी बिकता था। तो लोग क्या करते थे, हमारे देश का सामान जो था वो तो लेते नहीं थे क्योंकि उनको महंगा मिलता था, तो वो अंग्रेज़ों जो सामान बेचते थे, अंग्रेज़ लोग जो सामान हमारे देश में बेचते थे उनको लेने लगे। तो इस तरह से जो हमारे देश का व्यापारी वर्ग था वो धीमे धीमे नष्ट होता चला गया, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई और ये अंग्रेज़ लोग जो थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, हमारे जो आर्थिक ढांचा था उसको तो नष्ट किया ही, धीमे धीमे इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और इस तरह से हमारी राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें भी दखलंदाजी करनी शुरू कर दी। तो जो हमारे देश के लोग थे वो पूरी तरह से क्या हुआ, इनके ग़ुलाम बन के रह गए क्योंकि उनकी मजबूरी थी, हमारे देश में कल कारखाने वगैरह नहीं थे, तो हम इनका क्या था, जो सामान था वो ही अपनाने लगे, उसको ही लेने लगे।
और जो अंग्रेज़ लोग थे इन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक धन कमाने के लिए ज़मींदार पैदा किए, ज़मींदार बनाए। और इस तरह से जो ज़मींदार थे इनका लक्ष्य भी क्या था, अधिक से अधिक धन कमाना। तो ये दोनों जो थे ज़मींदार और अंग्रेज़ अपने अपने स्वार्थों के लिए जी रहे थे और अधिक से अधिक धन कमाना ही इनका एक उद्देश्य था। तो ये जो अंग्रेज़ लोग थे इन्होंने जो ज़मींदार पैदा किए ये क्या करते थे, जो किसान वगैरह होते थे उनको जो टैक्स देना होता था इन लोगों को ये टैक्स देते थे। तो लगान की शक्ल में अधिक से अधिक ये रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना चाहते थे। तो जो भी इनकी फसल होती थी किसानों की उसका कुछ हिस्सा ये लगान के रूप में इनको देते थे ज़मींदारों को। तो इस तरह से इनको काफ़ी अधिक फ़ायदा होता था और जो ब्रिटिश शासन था इस तरह से काफ़ी मजबूत होता चला गया। तो ये जो ब्रिटिश शासन था उसने अपनी स्थिति को धीमे धीमे काफ़ी मजबूत कर लिया और यही वजह थी हम इनके काफ़ी दिनों तक गुलाम बने रहे। और जो ये व्यवस्था थी इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के अलग अलग विभाग थे, उसमें पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर बहुत से कर्मचारी थे। तो इस तरह से सरकार के दो खास जो विभाग थे वो थे मालगुजारी और पुलिस। और इन दोनों के ऊपर हर ज़िले में क्या था, जो कलेक्टर होता था या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो कि क्या करता था, शासन चलाता था। तो जो ये अंग्रेज़ लोग थे इन्होंने तो अपनी आर्थिक स्थिति को धीमे धीमे काफ़ी मजबूत कर लिया, लेकिन जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, उसको पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। इसके अलावा जो भारत था उसको इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के जो प्रशिक्षण का जो खर्चा आता था, ट्रेनिंग पे जो खर्चा आता था वो भी देना होता था। और जो ये खर्चा दिया जाता था इसको कहते थे कैपिटेशन चार्ज। तो इस तरह से भारत को हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने क्या किया, हमारे देश में जो व्यापार करने आए, बिजनेस करने आए थे, उन्होंने हमें ही गुलाम बना लिया। तो जो आने वाली जनरेशन है उसको जब ये पता चलेगा कि इस तरह से जो हमारा देश था गुलाम रहा अंग्रेज़ों के, तो उनको बहुत अधिक क्रोध आएगा। लेकिन हम ये मानना होगा कि जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने बहुत चालाकी से जो फूट डालो और शासन करो उस नीति को अपनाकर हमारे देश को कई सालों तक गुलाम बनाकर रखा। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरह से अंग्रेज़ लोगों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा। और ये जो लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीमे धीमे इन्होंने क्या किया, हमारे देश की ही अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया और हमें मजबूर कर दिया गुलाम बनने के लिए। तो इस तरह से जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। और जो और लोग थे उन्होंने हमारे देश में आकर हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। तो ये पहली बार हुआ था कि अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। तो जो और देश के शासक थे जो हमारे देश में शासन किया जिन्होंने, उन्होंने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो दूसरे देश के लोग हैं, विदेशी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा था वो कभी भी इतना कमज़ोर नहीं हुआ जितना कि इन ब्रिटिश लोगों के आने पर हो गया। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कभी भी हमें जो विदेशी सामान है उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, अपने देश की बनी ही चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आज चाइना है वो क्या कर रहा है, अपना जो बिजनेस है पूरे संसार में फैला रहा है, हम इस चीज़ को समझते नहीं, उनका सामान लेते हैं और इसी वजह से हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो धीमे धीमे कमज़ोर होती जा रही है और उनका जो आर्थिक ढांचा है वो मजबूत होता जा रहा है। तो बच्चों आप इस टॉपिक को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।